हरे कृष्णा राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज आपको दिखाने वाली हूँ हमारे प्यारे राधा किशन जी की किस तरह से महाशिवरात्रि के दिन श्रृंगार हुआ था। तो सबसे पहले हम कान्हा जी के चरण से शुरू करते हैं। तो ये इनके कोमल चरण बहुत ही कोमल है और कमल चरण है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से शुरू करती हूँ। ये ड्रेस जो है घर पर बन के तैयार हुई है। ये जो लेस है ब्लैक और गोल्डन के कॉम्बिनेशन है, और साथ में ये जो कलर आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हल्का सा डार्क है जो कलर आ रहा है उससे। और ये धोती पीच कलर का है, पीच और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अद्भुत सुंदर लगता है देखने में। और ये माला, ये कुंदन की माला है। ये देखिए, मैं आपको डिटेल्स में दिखाती हूँ क्योंकि बहुत लोग बाद में क्या कई सारे क्वेश्चन करते हैं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताती हूँ। ये जो कमरबंद इन्होंने पहन के रखा है, एक एक करके मैं बताती हूँ। ये जो कमरबंद पहन के रखा है ये बंगाली घराना से लिया था मैंने, और बहुत ही अच्छा इसका फिनिशिंग है, बिल्कुल गोल्डन है कलर में, और कलर बिल्कुल गोल्ड जैसा ही है। तो ये इनकी कमरबंद है, बहुत प्यारा सा है। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर, देखिए ये मोर का एक इन्होंने पहन के रखा है अंगूठी। ये मोर का एक यहाँ पे मैंने पहनाया है और एक यहाँ पे पहनाया है। कितने क्यूट और कितने प्यारे हैं, और कितना अच्छे से इनका बनावट है, बहुत ही प्यारा सा बनावट है। और साथ में देखिए हाथ में चांदी की चूड़ी पहनाया है और एक नजरबंद पहनाया है। गले में एक हार छोटा और एक बड़ा हार पहना है। और ये है हमारे कान्हा जी की मुखमंडल, इतनी सुंदर है, इतने प्यारे है, मैं क्या बताऊँ। तो ये हमारे कान्हा जी है जो कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और बहुत ही सुंदर स्वरूप है। और इनकी पगड़ी में देखिए सबसे पहला जो डेकोरेशन हुआ है वो है मोर पंख का। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैंने मोर पंख का ही ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेशन करने की कोशिश किया है। और इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये भी कमरबंद है। ये जो मैंने यहाँ पे सर पे लगाया है ये भी कमरबंद है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे लगाया, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है भगवान जी को। और यहाँ पे देखिए ये सारे पगड़ी का अटैचमेंट है, कुछ कुछ मैंने घर पर बनाया था, आपको दिखाया था। जैसे कि ये वाली घर पर बनाया हुआ है, ये भी घर पर बनाया हुआ है, ये भी घर पर बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमारे, और ये भी एक पैच था, इसको भी मैंने बनाया है। तो इस तरह से कान्हा जी हमारा तैयार हो गया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो पटका हमने लगाया है ये पूरा लेस है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जो लेस है उसी को मैंने एज ए पटका यूज किया हुआ है। अब हम राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। तो कपड़े तो दोनों का एकदम मैचिंग होता है। तो ये देखिए इनका भी जो कलर कॉम्बिनेशन है मैचिंग में, वही बहुत प्यारा है। और ये ड्रेस जो है नीचे का, ये जो घाघरा है धोती है मैंने खुद बनाया है। और यहाँ पे मैंने कुछ अलग करने के लिए यहाँ पे एक इस तरह से मैंने डाला है दुपट्टा। दुपट्टा डालने से, इस तरह से डालने से थोड़ा सा अलग से लुक आ रहा है। और पीछे यहाँ पे एक और दुपट्टा डाला है मैंने, ये वाले, जिससे बहुत ही प्यारा सा एक लुक दे रहा है माता को। और यहाँ पे देखिए हाथ, देखिए माँ का, यहाँ पे हाथ में मैंने इनके एक अंगूठी पहनाया है इस तरह का कुछ, और साथ में ये चांदी का चूड़ी है, और यहाँ पे पहनाया है नजरबंद। तो दूसरे हाथ में भी ऐसे ही है, एक अंगूठी पहने हैं, चांदी के चूड़ी पहने हैं, और साथ में नजरबंद। यहाँ पे माता को मैंने क्या क्या पहनाया है, सबसे पहले ये है मंगलसूत्र। तो देखिए मंगलसूत्र जो है ये एडी का मंगलसूत्र है। ये देखिए यहाँ पे भी ध्यान से देखिए तो थोड़ा सा मोर जैसा ही यहाँ पे बना हुआ है, और बहुत ही इसका फिनिशिंग वगैरह भी बहुत सुंदर है। ये सिटी गोल्ड बोलते हैं क्या, जो कलर वगैरह नहीं निकलते हैं, ये इसके लिए ही वही है। तो इसका फिनिशिंग वगैरह भी काफ़ी सुंदर है। और सेम यही पहनाया है जो कुंदन की हार है, ये भी कुंदन की हार ठाकुर जी के जैसे ही सेम है। कमरबंद में ये यहाँ पे मैंने ये पहनाया है, ये एक राखी थी, मुझे ये हेवी राखी पसंद आया था एज ए कमरबंद, तो मैंने उसी को ले लिया था, और ये कमरबंद के हिसाब से मैंने पहनाया है। ये छोटा सा हार है, देखिए कितने प्यारे है, ये छोटा सा कुंदन का ही हार है। और ये कानों में झुमका, नाखों में नथ, और ये हमारी माता रानी, बहुत ही प्यारा से राधा रानी, बहुत सुंदर है। और सर पे इन्होंने भी मोर पंख लगाया आज। तो ये देखिए, ये इसको कहते हैं बोरला, यहाँ पे मैंने बोरला पहनाया है, और साथ में यहाँ पे पहने हैं माता रानी जो
ये मैं बार बार भूल जाती हूँ, मुझे कई लोगों ने कितनी बार बताया है लेकिन क्या होता है मैं हर बार भूल जाती हूँ। माँ कुछ चूड़ा बोलते हैं, हाँ इसको जुड़ा मुनि बोलते हैं शायद, जो भी मतलब मैं हर बार भूल जाती हूँ। तो ये इस तरह से राधा रानी की तैयारी है। तो कितनी प्यारी भव्य दर्शन है, अब दोनों का साथ में दर्शन कर लेते हैं। तो ये थी महाशिवरात्रि की पूरी तैयारी जो हमारे राधा किशन जी ने किया था सुबह सुबह। अभी तक जो है हमने खाली राधा रानी को ही तैयार किए थे, राधा रानी और कान्हा जी को, अभी छोटे से लड्डू गोपाल की तैयारी बाकी था और हमारा लाडो और वाशु भी तैयार हो चुके थे। तो दोस्तों ये थी आज की तैयारी, और कैसे लगा आप सभी लोगों को जरूर बताना। मुझे तो इनकी दर्शन मात्र से इतना अच्छा लगता है, मन को सुकून मिल जाता है, और इतना अच्छा इतना बढ़िया इनका स्वरूप जो है बाहर निकल के आते हैं, इतना प्यारा लगता है। तो आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।